हेलो नमस्कार, वंस अगेन टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और आपका डिमांड था कि मैम न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब मेरा पूरा टारगेट आपके लिए न्यूमेरिकल पर है। स्पेसिफिक आप लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि मैम वैरियान समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक गरिमा ने मुझसे ये बोला था कि मैम इस टॉपिक को समझा दीजिएगा। तो आइए हम लोग वैरियांस के बारे में ही पढ़ेंगे। वैरियांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 80% एग्जाम में आते भी हैं, उसको सॉल्व करने के लिए पूरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको पूरा नहीं सिखाऊंगी, मैं वन बाय वन आपको हर एक जो स्टेप है वो सिखाते हुए चलूंगी। जैसे कि अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, प्राइस निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, यूजेस का फॉर्मूला अलग है, मिक्स का फॉर्मूला अलग है, यील्ड का फॉर्मूला अलग है। तो वेरियांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला को याद करना जरूरी है। लेकिन फॉर्मूला याद करने से भी ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला को समझना। इसमें रट्टा आपको नहीं मारना है, इसमें आपको समझना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर लेते हैं, और आज हम लोग जो फर्स्ट वाला है ना, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, इसी को हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि प्रोडक्ट ए है रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 per kg, एंड द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इज ए बाई कम्स 12 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 6 per kg। जैसे कि देखिएगा, हम लोग कभी भी कोई काम जब शुरू करते हैं ना, तो कोई काम को शुरू करने से पहले हम लोग एक एस्टीमेट बनाते हैं। तो इसने काम शुरू किया कि हाँ भाई एक वस्तु बनाना है, प्रोडक्ट ए अपने को बनाना है, तो ये ए वस्तु बनाने के लिए हमको 10 kg मटेरियल चाहिए और ये मेरे को 5 रुपए का रेट पे मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरे को यहाँ पर क्या लगा कि 10 kg मेरे को मटेरियल चाहिए और 5 रुपया रेट पर मिल जाएगा, तो यानी कि 50 रुपये में मेरा काम बन जाएगा, ये वस्तु मेरा बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन जब मैंने वस्तु को बनाना शुरू किया, ये तो प्लान मैंने आज किया ना, लेकिन जब एक्चुअली में मैं वस्तु को बनाना मैंने शुरू किया, तो एक्चुअल कंजम्पशन जो हुआ वो कितना हो गया, 12 रुपया per kg। यानी जो मैंने सोचा, जो मैंने 12 kg, मैंने क्या सोचा कि 10 kg में मेरा काम बन जाएगा, लेकिन मेरे को अब 12 kg का जरूरत पड़ गया। और 6 रुपया per kg, कितना, 6 रुपया per kg। पहले क्या मैंने सोचा कि 10 kg लेंगे सामान, 5 रुपया per kg पड़ेगा, 50 में मेरा काम बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन जब बनाना शुरू किए तो 12 kg मटेरियल लग गया और दाम भी उसका बढ़ गया, 6 हो गया। तो यानी कि इस केस में आपको पूछ रहा है कि वेरियंस का मतलब क्या, कि डिफरेंसेस, कि यहां पर डायरेक्ट मटेरियल तो कॉस्ट में कितना का वेरियंस पड़ा, यानी कि आपको खर्चा में कितना का डिफरेंसेस आपको पड़ गया, और जो डिफरेंस पड़ा है वो फेवरेबल पड़ा है कि अनफेवरेबल पड़ा है। तो देखिएगा यहां पर सिंपल सी बात है कि मैंने सोचा था कि मेरा अगर 10 kg का मटेरियल अगर लगेगा और 5 रुपए में लगेगा तो मेरा 50 में काम बन जाएगा, लेकिन मेरा तो काम कितना लग गया, 12 kg मटेरियल लग गया और 6 रुपए भी लग गया। तो 12 × 6 = 72, बोले तो 12 × 6 = 72। तो मैंने क्या सोचा था कि मेरा 50 रुपया में ये वाला पेन बनकर रेडी हो जाएगा, लेकिन इस पेन को बनाने में मेरा 72 रुपया लग गया। तो पैसा ज्यादा लगा कि मेरा कम लगा, बिल्कुल मेरा पैसा ज्यादा लग गया। अब इस चीज को समझिए कि अब जो मेरा पैसा ज्यादा लग गया तो कितना ज्यादा लग गया, तो देखिए तो 22 रुपया मेरा क्या लग गया कि ज्यादा लग गया। यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। मैंने आपको फॉर्मूला याद नहीं करवाया ना, मैंने फॉर्मूला से आपको बनाया, मैंने एक बोला बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करो कि कोई सामान को बनाने में आपका जो है 50 रुपया लग रहा है, आपने सोचा कि 50 रुपया लगेगा और आपका लगा कितना, आपका लग गया 72 रुपया, यानी कि 22 रुपया ज्यादा लग गया। तो 22 रुपया आपके पॉकेट से अधिक खर्चा हो गया, तो क्या ये कभी आपके फेवर में रहेगा, नहीं, ये कभी आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनफेवरेबल। अगर आपने सोचा कि 50 लगेगा और अगर आपका 20 लगता तो ये आपका होता फेवरेबल, लेकिन आपने सोचा कि 50 खर्चा होगा और 72 खर्चा हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, अनफेवरेबल। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, SQ × SP AQ × AP। तो इसका मतलब क्या होता है मैम, तो इसका मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि आपने कितना एज्यूम किया था, और आपने स्टैंडर्ड प्राइस इसका क्या सेट किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था मेरा कि 10 kg में काम बन जाएगा, प्राइस मैंने 5 रुपए एस्टिमेट किया था, माइनस फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कितना लग गया मेरा, 12 kg लग गया, उसका प्राइस कितना था,
एक्चुअल का, तो एक्चुअल प्राइस मेरा 6 रुपया था, तो यानी कि 10 × 5 = 50 और 12 × 6 = 72, तो 22 इज द करेक्ट आंसर। और ये 22 जो है आपका माइनस में आ रहा है, यानी आपको 22 रुपए का लॉस हो रहा है, और ये क्या हो गया आपका अनफेवरेबल। आप ऐसे भी समझो कि 50 के जगह 72 लग गया तो भी हमारा लॉस है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में ही जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ऐसे ही मैं आपके लिए डेली एक क्वेश्चन लेते आऊंगी, तो वेरियंस का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, और कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। बाय बाय।